अलीगढ़ बन्ना देवी पुलिस ने गांधी पार्क बस स्टैंड से फर्जी IAS बनकर लोगों से ठगी करने वाले इनामी ठग को गिरफ्तार किया। ठग ने अलीगढ़ में अधिकारियों से काम करने के नाम पर एक व्यक्ति से ठगे थे 10 लाख रुपए। अलीगढ़ निवासी यूसुफ के साली की कस्बा खैर में सड़क किनारे 9 बीघा जमीन है। कस्बे के कुछ लोगों ने जमीन पर लकड़ी के खोखे नुमा दुकान रखकर अतिक्रमण कर रखा था। उस अतिक्रमण को हटवाने के लिए यूसुफ की किसी व्यक्ति ने लखनऊ निवासी योगेंद्र से अलीगढ़ के नुमाइश गेस्ट हाउस में मुलाकात कराई तो योगेंद्र ने अपने आप को IAS अधिकारी बताते हुए पुलिस द्वारा कब्जा मुक्त कराने के लिए SSP के नाम पर 10 लाख रुपए ठग लिए और गायब हो गया। तब यूसुफ ने इसकी शिकायत SSP से की तो मामले को गंभीरता से लेते हुए उन्होंने रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई के निर्देश दिए। बाद में आरोपी को फरार रहने पर SSP अलीगढ़ ने ठग पर 2500 का इनाम घोषित कर दिया। बन्ना देवी पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर गांधी पार्क बस स्टैंड के निकट से आरोपी ठग योगेंद्र को नोएडा अथॉरिटी लिखी नीली बत्ती लगी एम्बेसडर कार के साथ गिरफ्तार कर लिया है। 2500 का इनामी बदमाश आज पकड़ में आया है। इनका मूल काम टप्पेबाजी का था। योगेंद्र नाम है इनका, उम्र लगभग 35 साल है। इनके विरुद्ध बन्ना देवी थाने पर अभियोग पंजीकृत कराया गया था 400 BC में, जिसमें इनके द्वारा फर्जी IAS बनकर एक आदमी से ठगी की गई थी। ऐसे और भी प्रकरण पुलिस के संज्ञान में आए हैं कि कुछ महिलाओं के साथ भी इन्होंने इसी तरीके से फर्जी IAS बनकर ठगी कर रखी है। एक हापुड़ के आदमी के साथ भी इन्होंने पैसे ठग रखे हैं। इनके पास एक गाड़ी इन्होंने अरेंज कर रखी थी नोएडा अथॉरिटी में। ये पहले संविदा कर्मचारी थे तो वहाँ से इन्होंने कोई गाड़ी नीलामी में ले रखी थी, एम्बेसडर गाड़ी है। उसके ऊपर बत्ती लगे हुए भी हमें इनके साथ फ़ोटो उपलब्ध हुए हैं पुलिस को। तो ये बत्ती लगा के गाड़ी एम्बेसडर लेके अपना रूप दिखा के आम पब्लिक को बेवकूफ़ बनाते थे। वो उनके विश्वास में आके और इन लोग इनको पैसे दे देती थी। तो मूलतः टप्पेबाजी का इनका कार्य था। देखिए, नीली बत्ती लगाते थे और कहते थे कि मैं IAS ऑफिसर हूँ और मेरे पुलिस प्रशासन में अच्छे संबंध हैं, मैं आपका काम करा दूँगा। और जो आदमी होता था वो इनके विश्वास में आके इन्हें पैसे दे। 10 लाख का ये जो मुकदमा जो बन्ना देवी पे लिखा हुआ था, इसमें 10 लाख बताता है वादी कि 10 लाख रुपए मेरे से ठगे थे और बाकी और जो है महिलाओं से बताया है 40-40। कोई जमीन का प्रकरण था जिसमें इन्होंने विश्वास दिलाया था कि मैं जमीन में आपका काम करा दूंगा, आप मुझे पैसे दे दीजिए। पीड़ित ने बताया कि मैंने अपने साले की जमीन खाली कराने के लिए एक परिचित ने नुमाइश गेस्ट हाउस में योगेंद्र निवासी लखनऊ से मुलाकात कराई। उसने अपने को IAS अधिकारी बना बताते हुए काम कराने के लिए 10 लाख रुपए मांग की। 5 लाख रुपए नुमाइश गेस्ट हाउस में लिए और 5 लाख रुपए लखनऊ में लिए। जो हमारे सालों की जमीन है, उस जमीन के आगे खोखे लगे हुए हैं लकड़ी के, तो उस खोखे हटवाने के चक्कर में हमने इनसे बात करी। हमें किसी ने इनसे मिलवाया तो बोले IAS अफसर हैं ये, तो इन्होंने हमसे 20 लाख रुपए की बात करी और मुझे 10 पहले दे दो, 10 दे देना बाद में। तो हमसे 5 लाख रुपए तो लिए हमसे, जो नमाइश ग्राउंड में गेस्ट हाउस है उसमें ये 2 दिन से थे और लीली बत्ती की गाड़ी थी एम्बेसडर, और 5 लाख रुपए लिए हनुमान सेतु गोमती नगर लखनऊ में। नहीं, काम कुछ भी नहीं हुआ जी। 8-9 महीने से हमें लखनऊ आ जाओ, अलीगढ़ आ जाओ। हम SDM से बात कर रहे हैं, बच्चू सिंह से बात कर रहे हैं, सारे SDM अपने हैं, SSP से भी बोल देंगे हम, DM से भी बोल देंगे। हमें इस तरीके से झांसे में रखा जी 9-10 महीने। बाहर निकले तो नुके बात हो गई है, तो मैंने कहा फिर तो नुके इन्हें SSP साहब को 5 लाख रुपए जाएंगे। एक इनके संग थे बकार नाम के, वो भी साथ में थे योगेंद्र के। तो फिर हमने जो है SSP साहब के सामने पेश हो गए। हम पेश जब हुए तो बोले भाई ऐसा मुकदमा दर्ज करवाओ, हमने तो आपने बताया नहीं था। मैंने कहा जी जनाब हमें क्या पता आपके अंदर होके गया था ये बाहर, हमें खड़ा करके नुके भाई SSP साहब अपनी आदमी है और जी तुम्हारा काम हो जाएगा, अब कोई दिक्कत नहीं। उन्होंने हाँ कर दिए जब हमसे पैसे मांगे थे गेस्ट हाउस में। अलीगढ़ से इस खबर की कवरेज के लिए प्रकाश सिंह, AV लाइव न्यूज़।